दोस्तों, एशिया कप को लेकर पाकिस्तान की तरफ से भारत के ऊपर लगातार जहर उगला जा रहा है। कभी पूर्व चेयरमैन रमीज राजा भड़काऊ बयान दे रहे हैं तो कभी कोई दे रहा है। बता दें कि एशिया कप 2023 पहले पाकिस्तान में होस्ट कराया जाने वाला था, जिसको लेकर बीसीसीआई सचिव जय शाह ने साफ साफ यह कह दिया कि अगर एशिया कप 2023 पाकिस्तान में होस्ट कराया जाएगा तो भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान नहीं जाएंगे। इस बयान के बाद रमीज राजा ने भड़काऊ बयान देते हुए कहा कि भारत अगर पाकिस्तान नहीं आएगा तो ओडीआई वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी खिलाड़ी भी भारत नहीं जाएंगे। फिर जय शाह ने एशिया कप 2023 को किसी न्यूट्रल पर कराने की मांग की थी, जिस पर अभी चर्चाएं भी हो रही हैं। लेकिन इस दौरान अब पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी शाहिद अफरीदी ने भारत के खिलाफ फिर आग उगलाया। उन्होंने आईसीसी को निशाने पर साधते हुए कहा कि भारत अगर आंखें दिखा रहा है तो उन्होंने कड़ा रुख अपनाकर उन्होंने खुद को इतना मजबूत बना लिया है, या वे इतने साहसी हैं कि इस मामले में खुद निर्णय ले रहे हैं। अफरीदी ने आगे कहा कि आईसीसी की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है और उन्हें आगे आना चाहिए, लेकिन इतना कह सकता हूं कि आईसीसी भी बीसीसीआई के सामने कुछ करने में सक्षम नहीं है। आईसीसी भी बीसीसीआई के आगे डरती है।